नमस्कार दोस्तों मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेज में तो फ्रेंड्स कैसी चल रही है आपकी तैयारी कैसी हो रहे हैं आपके एग्जाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं चलिए आज मैं आपके लिए ले आ गया हूं एक साइंस का वीडियो जिसमें मैं आज आपको सौ महत्वपूर्ण साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से तो चलिए देखते हैं प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं पहला क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना होता है उसे क्या कहते हैं जो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है प्रकाश होता है ये प्रकाश के मैटर प्रकाश से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये प्रकाश अलग से एक टॉपिक है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि स्पेशल टॉपिक्स को लेकर मैं आप भविकलप्य क्वेश्चन लेके आऊँगा तो ठीक है जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है उसे फोटोन कहते हैं फोटोन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फोटोन नेक्स्ट देखिए प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है प्रकाश जो तरंग है वो कैसी तरंग होती है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अनुप्रस्थ तरंग अनुधैर्य तरंग उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं तो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है अनुप्रस्थ किसे बोलते हैं सीधी रेखा में गमन करने वाला और अनु धैर्य कौन सा होता है जो लहरदार होता है तो देखिए जो धवनी है धवनी करती है अनुधैर्य तरंग के अनुसार और प्रकाश व अनुप्रस्थ तरंग के अनुसार मतलब प्रकाश तरंग है ठीक है प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था प्रकाश जो तरंग है उसका सिद्धांत किसने दिया था न्यूटन के द्वारा हाइगेंस के द्वारा प्लांक के द्वारा फेराडे के द्वारा तो जो प्रकाश तरंग का सिद्धांत है वो हाइगेंस ने दिया था ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित दिवेश किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है किस घटना के आधार पर अनुप्रस्थ तो तरंगे हैं किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है तो दिव्य दिवपर्तन व्यतिकरण ध्रुवण या प्रावर्तन तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ध्रुवण ध्रुवण जो घटना है उसके आधार पर प्रकाश प्रकाश क्या होता है अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है सर्वप्रथम किसने बताया था प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बात सबसे पहले किसने बताई थी तो ये बताना है न्यूटन हाइगेंस ग्रेमाली मैक्सवेल तो ये बात मैक्सवेल ने बताई थी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है सबसे पहले किसने बताया था कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनका विवर्तन होता है ग्रेमाल्डी, यंग मैक्सवाल फोकाल्ट तो जो ग्रेमाल्डी हैं उन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है ठीक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था प्रकाश जो विद्युत प्रभाव है उसका प्रतिपादन किसने किया था ये बताना था बताना है कॉप्टन मैक्सवेल, आइंस्टीन न्यूटन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और आइंस्टीन को इसके लिए नोबल पुरस्कार भी मिला था ठीक है ये बात आप ध्यान रखना आइंस्टीन थे वो मूलतः जर्मनी के रहने वाले थे लेकिन अमेरिका के साइंटिस्ट सैंट, कहे जाते थे क्योंकि इन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है नहीं होती है ये बताना है अपने को कौन सी घटना है जो दोनों में ही नहीं होती है तो कौन सी घटना हो जाएगी विवर्तन ध्रवण प्रावर्तन अपवर्तन तो ध्रवण है वो घटना है दोनों में ही घटित नहीं होती है ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए किसी अवरोध को, को अवरोध की कोर किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है मतलब कोर से जो प्रकाश मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं विक्षेपण विवर्तन अपवर्तन या व्यतिकरण तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विवर्तन बोलते हैं इसको विवर्तन प्रकाश का कोर से घूमना निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है तरंग प्रकृति पर, की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है ये बताना है न्यूटन का कणिका सिद्धांत व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इनमें से कोई नहीं तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है प्रकाश जो विकिरण है उसकी प्रकृति कैसी होती है तरंग के समान कण के समान तरंग एवं कण दोनों के समान तरंग एवं कण के समान नहीं देखिए ये बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तरंग और कण नेक्स्ट देखिए प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं जो चिकना पृष्ठ होता है उससे टकराकर जो वापस लौटता है ना प्रकाश उसको क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन तो इस घटना को क्या बोलते हैं परावर्तन जो परिवर्तित तो होती है उसे परावर्तन बोलते हैं लौटती है उसे ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रकाश में ध्रोवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं तीक्षण प्रगामी अनुप्रस्थ अनुधर्य तो क्या है क्या है ऑप्शन है अपने तीक्ष्ण प्रगामी अनुप्रस्थ अनुधैर्य तो ये सब क्या है अनुप्रस्थ होती हैं प्रकाश तरंगे क्या होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले आर आर बी अहमदाबाद के एस एम और सी जी एग्जाम दो हज़ार चार में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट देखिए सूर्य लगभग चार गुणा दस की घात छब्बीस जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने से निक, निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है तो ये बताना है सूर्य है वो चार गुणा दस की घात छब्बीस जूल के प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है तो जो उसकी द्रव्यमान ऊर्जा किस कम से किस दर से कम हो रही है ये बताना है अपने को तो चार गुना दस की घात सात जूल प्रति सेकंड चार गुणा दस की घात नौ जूल प्रति सेकंड चार गुना दस की घात ग्यारह जूल प्रति सेकंड और चार गुना दस की घात ते तेरह जूल प्रति सेकंड तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चार गुणा दस की घात नौ जूल प्रति सेकंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था जो प्रकाश का वेग है वो सबसे पहले किसने ज्ञात किया था गैलीलियो न्यूटन रोमर माइकलसन तो रोमर ने ज्ञात किया था ऑप्शन नंबर सी सही होगा हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रकाश का वेग का जो सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था प्रकाश के वेग को तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी रोमर ने की थी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है प्रकाश का वेग है वो अधिकतम किस जो किस में होता है ये बताना है अपने को तो प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है हीरे में निर्वात में पानी में कांच में तो प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक निर्वात में होता है ठीक है प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है जबकि जो ध्वनि होती है उसका वेग सर्वाधिक ठोस में होता है जैसे इस्पात हो गया लोहा हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है माध्यम में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें प्रकाश की जो गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ती है घटती है वैसी ही रहती है सहसा गिर जाती है एस जो ग्रेड फोर दो हज़ार चार की थी उसमें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एस में तो जो तापमान है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वैसी ही रहती है ऑप्शन नंबर सी से यू हो जाएगा प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में निम्न क्रम में कौन सी होती है जल कांच हीरे में प्रकाश की चाल है वो कौन सी मतलब सबसे ज़्यादा किस्में होगी प्रकाश की चाल उसके बाद किस्में और उसके बाद किस्में तो देखिए पहला है हीरा सबसे ज़्यादा फिर कांच में और फिर जल में फिर जल कांच हीरा कांच हीरा, हीरा जल हीरा जल कांच तो देखिए प्रकाश की चाल है ना इनमें से सबसे ज़्यादा जल में होगी उसके बाद कांच में होगी और सबसे कम हीरा में चलेगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछ लिया जाता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है चंद्रमा से जो पृथ्वी तक आने में प्रकाश चंद्रमा की बात कर कर रहा है ये बात ध्यान रखना आप चंद्रमा की बात कर रहा है ये ठीक है तो कितना समय लगता है तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा एक सेकेंड लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना लग जाता है एक सेकेंड लग जाता है ठीक है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो इसके लिए आठ पॉइंट पाँच मिनट लगते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य की सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो ये लेता है आठ मिनट पाँच सेकंड पाँच सेकंड आठ मिनट सोलह सेकंड कुछ भी बोल सकते हैं मतलब आठ मिनट के आसपास साढ़े मिनट के आसपास होता है प्रकाश की गति कितनी है नौ गुणा दस की घात दो मीटर स्क्वायर तीन गुणा दस की घात ग्यारह मीटर प्रति सेकंड तीन गुणा दस की आठ मीटर प्रति सेकंड और दो गुणा दस की घात चार मीटर प्रति सेकंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रकाश की गति कितनी होती है तीन गुणा दस की घात आठ मीटर प्रति सेकेंड ठीक है नेक्स्ट देखिए सूर्य ग्रहण का समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है तब कौन सा भाग दिखाई देता है देखिए तो ये है जैसे मान लीजिए सूर्य और इसके बीच में यूँ चंद्रमा आ जाता है ना तब इसके साइड साइड में जो ये दिखता है ना तो इस भाग का पूछ रहा है कौन सा भाग दिखाई देता है वर्णमंडल क्रीट या कोरोना प्रभा मंडल कोई भाग नहीं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसको क्रीट या कोरोना बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय कितना होता है जब पूरे पूर्ण पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उसका अधिकतम समय कितना होता है दो सौ पचास सेकेंड चार सौ साठ सेकंड पाँच सौ सेकेंड छः सौ सेकेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चार सौ साठ सेकेंड क्योंकि ज़्यादा देर नहीं चलता है ये इतनी ही देर चलता है दो तीन मिनट चार मिनट ठीक है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है नेक्स्ट देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण कब होगा जब चंद्रमा बीच में हो पृथ्वी बीच में हो सूर्य बीच में हो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में हो बृहस्पति उस रेखा में ने हो तो देखिए जो चंद्र ग्रहण है सूर्य ग्रहण है वो कब होता है जब चंद्रमा होता है बीच में जैसे मान लीजिए ये है अपना सूर्य ये बीच में क्या हो गई मून और ये क्या हो गया अर्थ चंद्र ग्रहण कब होगा जब ये घूमता हो चंद्रमा बीच में आ जाएगा और पृथ्वी से जो सूर्य है ना अपने को दिखना बंद कर हो जाएगा लेकिन जब किरीट कब बनता है ये ऊपर वाला क्वेश्चन में देखिए किरट कब बनता है जब ये इसके बीचों बीच इसमें सेट हो जाएगी क्योंकि इसका इसका जो आयतन है वो समान तो नहीं है क्योंकि सूर्य बड़ा है तो साइड से दिखना साइड साइड से दिखेगा उस अवस्था को क्रिएट बोलते हैं तो जो चंद्रमा है वो बीच में होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तब ठीक है देखिए ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन अर्ध चंद्र चंद्र के दिन अमावस्या पूर्णिमा के दिन ध्यान रखिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है प्रतिपदा अमावस्या को पूर्णिमा को किसी भी दिन चतुर्थांश चंद्रमा के दिन तो देखिए मैंने ऊपर ऊपर बताया आपको चंद्रमा के दिन सूर्य ग्रहण होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए उचित रीति से कटे हीरे को हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है उसकी अति उच्च प्रवर्तन सूचकांक होता है बहुत कठोर होता है उसके सुनिश्चित वितलन तल होते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसकी अति उच्च उपवर्तनांक सूचकांक होता है ठीक है किसका उदित उचित रीति से कटे हीरे की जो असाधारण चमक का कारण क्या होता है अपवर्तनांक के कारण होती है उसकी मतलब चमक होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण ऊपर उठा दिखाई देता है प्रकाश के प्रावर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकाश के प्रिक्षेपण के कारण तो अपवर्तन के कारण है ऊपर उठा हुआ सिक्का दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा जाता है पानी में लटका कर बैठे हुए लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और उसका और छोटा दिखाई पड़ता है क्यों किस कारण पड़ता है अपवर्तन के कारण प्रावर्तन के कारण विवर्तन के कारण परिक्षेपण के कारण तो ये दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं इसकी व्याख्या की जा सकती है प्रावर्तन एवं विवर्तन की प्रकटना के आधार पर प्रावर्तन एवं पारगमन की प्रकटना के आधार पर विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर अपवर्तन अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की प्रकटना के आधार पर देखिए आई ए एस में पूछा गया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए ये है प्रावर्तन व पारगमन की प्रकटना के आधार पर है जो सीडी है उसके सभी रंग प्रकाश की देखने पर दिखाई देते हैं ठीक है प्रावर्तन और प्रागमन की प्रेरणा के ऊपर आधारित है जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है वि प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के ध्रोण के कारण प्रकाश के परिवर्तन के कारण तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठी हुई दिखाई देती है ऑप्शन नंबर बीस सही हो जाएगा ठीक है ये देखिए अपवर्तन से संबंधित एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं जल के अंदर मौजूद व्यक्ति के किसी किस कारण जल के की सतह से ऊपर की ओर वस्तु पर वास्तविक स्थिति से अपेक्षा करता देख ऊंचाई पर प्रतीत होती है सेम क्वेश्चन चल रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जब भी जल में कोई वस्तु पड़ी हुई है थोड़ी अपनी स्थिति से अपनी उस स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है तो प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन ओप, होगा उसका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस गुण किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबेगी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है वही सेम क्वेश्चन आ गया अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है आर, आर चंडीगढ़ में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है अभिलंब से दूर हटती है इनमें से कोई नहीं तो इसमें देखिए क्या सही हो जाएगा अभिलंब की ओर

देखिए ये किस में जाता है हीरे से कांच में जाता है तो आंतरिक प्रवर्तन होता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंद्रधनुष पन्ने के कारण क्या है वायुमंडल में सूर्य किरणों का जल बूंदों के जल बूंदों के द्वारा प्रवर्तन वायुमंडल में सूर्य किरणों का दूल कणों के द्वारा प्रावर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का ध्रोण तो जो इंद्रधनुष है वो किस कारण बनता है जो वायुमंडल में सूर्य की किरणों किरणें हैं वो जल के बूंदों का प्रावर्तन कर देती हैं इस कारण इंद्रधनुष बनता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मृग तृष्णा उदाहरण है मृग तृष्णा ये किसका उदाहरण है अपवर्तन का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन का विक्षेपण का और विवर्तन का तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा देखिए मृग तृष्णा किसे कहते हैं एग्जाम्पल दे आपको मृग तृषि है जब हम गर्मियों में जो डामर की सड़क होती है उस पर चलते हैं तो अपने को जैसे आग लगती हुई दिखाई देती है यूँ झिलमिलाती सी दिखाई देती है जैसे अपने को यूँ लगता है कि बारिश हुई है तो उसको बोलते हैं मृत ठीक है वो सब पूर्ण आंतरिक प्रा, प्रावर्तन के कारण होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है किस किस घटना पर आधारित है एंडोस्कोपी की बात कर रहा है पूर्णांतरिक प्रावर्तिक परिघटना पर व्यतिकरण परिघटना पर विवर्तन परिघटना पर द्रोण परिगणना पर देखिए आई एस पीढ़ी में पूछा गया क्वेश्चन है उन्नीस सौ निन्यानवे में पूछा गया था पूर्णांतरिक प्रावर्तन पर सही हो जाएगा एंड एंडोस्कोपी वो पूर्णांतरिक प्रावर्तन के आधार पर काम करती है प्रकाशिक तंत्रों में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकर्णन का प्रवर्तन व्यक्तिकरण पूर्णांतरिक प्रावर्तन वही प्रकाश का जो प्रकाशिक तंतु होता है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन का किया जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य से प्रकाश के आंतरिक प्रावर्तन हो सकता है यदि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक प्रावर्तन हो सकता है यदि वायु से कांच में जाए वायु से जल में जाए कांच से वायु में जाए जल से कांच में जाए तो प्रावर्तन कब होगा जब कांच से वायु में जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं चटका हुआ काच चटकीला प्रतीत होता है चटका हुआ काच है और चटकीला प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण प्रावर्तन के कारण व्यतीकरण के कारण पूर्णांतरिक प्रावर्तन के कारण तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पूर्णांतरिक प्रावर्तन के कारण ही चटका हुआ काच है चटकी

ऑरेंज रेड एक दो तीन चार पाँच छ वी, वी आई से कौन सा रह गया दिमाग से निकल गया मैं बता दूंगा आपको हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण चमक का, चमकदार दिखाई देता है प्रावर्तन के कारण अपवर्तन के कारण सामूहिक आंतरिक प्रावर्तन के कारण प्रकीर्णन के कारण तो हीरा है वो सामूहिक आंतरिक प्रावर्तन के कारण दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार पूछा जाता है ठीक है यूपी में पूछा गया था ये रेगिस्तान में मृच जैसी घटना का कारण क्या है वही सेम क्वेश्चन पूछा गया मिर्च ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंद्रधनुष के इंद्रधनुष के कारण होता है किस कारण होता है इंद्रधनुष है वो किस कारण होता है तो इंद्रधनुष प्रावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन प्रावर्तन या अपवर्तन दोनों के कारण होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोनों के कारण होता है ठीक है प्रावर्तन भी होता है उसमें अपवर्तन भी होता है नेक्स्ट देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है प्रकाश के प्रावर्तन से प्रकाश के अपवर्तन से अपवर्तन व प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रावर्तन से प्रकाश के विशरण से तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही सी सही हो जाएगा अपवर्तन और प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रावर्तन दोनों से बनता है जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया आरआरबी भुवनेश्वर में ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण होता है आकाश का जो नीला रंग है वो किस कारण प्रतीत होता है ये बताना है विवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण प्रकीर्णन के कारण परावर्तन के कारण तो आर आर बी अहमदाबाद में पूछा गया था प्रकीर्णन के कारण है वो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है जो कि जो प्रकाश है वो प्रकीर्णन कर लेता है नीले रंग का इसलिए ये पूरे जो आसमान है उसका नीला रंग दिखाई देता है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश क्या होता है परवर्तित तो हो जाता है अपवर्तित तो हो जाता है अवशोषित तो हो जाता है प्रकीर्णित तो हो जाता है तो उस पर जो गिरने वाला जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित तो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रकीर्णित तो हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आकाश का आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग अधिक है छोटी तरंग तिरंगदर्घे वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्गे वाली अपेक्षा वायुमंडल की द्वारा अधिक प्रकीर्णित प्रकीर्णित होता है नेत्र नीले रंग के नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील है वायुमंडल लंबी तरंग दैर्घ की छोटी तरंग दैर्घ की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है तो देखिए आकाश का जो नीला रंग है वो छोटी तिरंग दैर्गी वाले प्रकाश बड़ी तिरंग दैर्गे वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल का अधिक प्रकीर्णित करता है उप, सबसे मेन बात यही है कि प्रकीर्णन के कारण होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो पचास पे ही अपना ये समाप्त करते हैं आप इनको बार बार पढ़ें काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आगे का अपन अगले वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद